देखो बेटा, आज का जो टॉपिक आपका वो है कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरिटी एक्शन क्या होता है। रियल लाइफ में बहुत ज्यादा इसके यूजेस हैं, डेली लाइफ में हमारे इसके हमारे सामने होता रहता है, हमें उसका पता नहीं होता अभी ये कौन सा फिनोमिना हो रहा है। तो क्या होता है बेटा ये कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? बेटा ये कैपिलरी ट्यूब, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, इस बंडल में ये जो है पतली पतली बेटा कैपिलरी ट्यूब है, ये री मैंने ये निकाल लिया दो ट्यूब। तो ये जो है बिल्कुल ब्रीक पास की है बेटा, ठीक है, ये बिल्कुल ब्रीक ब्रीक होती है। तो क्या होता है जब आप इसको वाटर के अंदर डालोगे, ये वाटर मैंने इस कैप के अंदर जो है ढक्कन के अंदर क्या लिया बेटा, पानी ले लिया और मैं इसको डाल रहा हूं, इसको मैं अंदर डाल रहा हूं, तो ये पानी ऊपर राइज हो गया, इसमें इससे ऊपर राइज, ये बेटा ऊपर लग चले गया, ये ऊपर लग चले गया पानी, यहां तक पानी है इसमें जो लेवल है बेटा, ये यहां तक इसमें जो है वाटर है, ये लेवल है बेटा वाटर का, ये रहा यहां तक लेवल में क्या हुआ, राइज हो गया पानी। मैंने इसके अंदर डाल लिया कैपिलरी ट्यूब और पानी के ऊपर राइज हो गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण सभी बच्चों ने पहले भी कर लिया है, कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, जिसका नाम क्या था बेटा, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहां ये हमने कैपिलरी ट्यूब ली बेटा। कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन आती है पेपर में, आता है, होती क्या है अभी ये दिखाइए बेटा। मैंने ये जो ट्यूब है ये ग्लास की ट्यूब, लेकिन इसमें जो सुराख है वो कैसा पा होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म, बिल्कुल यूनिफॉर्म, कहां से कहां लग, जितनी इसकी लंबाई है थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो क्या होगा, एक फाइन यूनिफॉर्म बोल, फाइन यूनिफॉर्म बोल, ठीक है बेटा। तो कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन क्या है, क्या लिखेंगे बेटा? तो क्या लिखोगे बेटा, कैपिलरी ट्यूब होता क्या बेटा, दिस कैपिलरी ट्यूब, ये जो कैपिलरी ट्यूब है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए ट्यूब विद फाइन एंड यूनिफॉर्म बोल, ए ट्यूब ऑफ ग्लास, ए ट्यूब ऑफ ग्लास, या तो ग्लास के दूसरा मेटेरियल होगा बेटा, ए ट्यूब ऑफ ग्लास विद किसके साथ बेटा, विद फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर, फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर। बोर का मीनिंग क्या होता बेटा, क्या होता है बोर, सुराख, खुदाई बोलते हैं वैसे हम, लेकिन बेटा सुराख है। तो ए ट्यूब ऑफ ग्लास विद फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर, कहां से कहां तक, थ्रू आउट इट्स लेंथ, फाइन बोर थ्रूआउट, हाँ बेटा थ्रूआउट इट्स लेंथ, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या होगा बेटा, दैट ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, क्या बेटा ये कैपिलरी ट्यूब, दैट इज द कैपिलरी ट्यूब। अभी मैंने आपको दिखाई भी है बेटा, और मैं आपको इसके बाद जो लेक्चर के बाद एक ट्यूब देख लेना, करके देखना एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल राइट है, क्योंकि बेटा ये साइंस है, साइंस में क्या होगा, प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल, और यदि प्रैक्टिकल है तो वो जो मेमोरीज होगी वो क्या होगी, फॉर एवर स्टे करेगी यहां, यस होता है भाई, देखे हमने। तो ये कैपिलरी ट्यूब की डेफिनेशन आ गई। अब लिक्विड का चरण पारा देखे होगा, पारा क्या होता है, नीचा, लिक्विड पानी ऊपर, चढ़ना और उतरना आपने देखा होगा, टसीलन ऊपर चढ़ जाए, है ना, सही खिंड जाए, ब्लोटिंग पेपर देखा होगा आपने, वो रख दे वहां सही पी जाए अपने अंदर चूस जाए, था ना, इसका मतलब क्या था, वो लिक्विड का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना किसमें, किसी कैपिलरी ट्यूब में, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी एक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, कैपिलरिटी एक्शन। तो अगला जो इसमें इसी में बात करेंगे हम, कैपिलरिटी क्या होता है बेटा, ये वाला जो शब्द है कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने क्या ये फिनोमिना है, किसका, द फिनोमिना ऑफ राइजिंग और फॉलिंग, क्या बेटा ये
क्या है? द फिनोमिना ऑफ, फिनोमिना किसका बेटा? ऑफ राइजिंग और फॉलिंग, राइजिंग और फॉलिंग किसका बेटा? राइजिंग और फॉलिंग किसका? कौन? ऑफ लिक्विड, राइजिंग और फॉलिंग ऑफ लिक्विड किस मतलब बेटा? थ्रू दी कैपिलरी ट्यूब, थ्रू द कैपिलरी ट्यूब। तो थ्रू दी कैपिलरी ट्यूब, थ्रू द कैपिलरी ट्यूब ठीक है, इज कॉल्ड, दैट इज फिनोमिना इज कॉल्ड, उस फिनोमिना का क्या नाम बेटा? कैपिलरिटी, दैट इज कॉल्ड कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन एक ही बात है बेटा। लिक्विड का राइज होना या बेटा देखियो दिया बाकी तेल बिल्कुल कम है, पहले होता था बेटा, आजकल वैसे है गांव में एक दो जगह मिल जाएगा आपको, या फिर जो दिए जलाते हम दिवाली पे सरसों का तेल डालते हैं थोड़ा होता है उसके अंदर, फिर भी वो मतलब कि क्या होता है बेटा? जगर है। कारण क्या होता है कि जो वो लिक्विड है, लिक्विड वो क्या करेगा? राइज कर रहे कहां? जो रूई है उसमें क्या है? सुराख। क्या बेटा? सुराख है, बोर है, तो उसमें से लिक्विड का ऊपर चढ़ना या किसी लिक्विड का नीचे उतरना किस मतलब? थ्रू आउट द बोर, जो बोर होते हैं पोर्स होते हैं सुराख होते हैं उनमें से, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कैपिलरिटी एक्शन ठीक है बेटा। इसके एग्जांपल क्या क्या बेटे? एग्जांपल सभी बच्चे बेटा इसके एग्जांपल करेंगे, जो इसके एग्जांपल हैं सभी बच्चों ने पता है अभी अभी जिक्र कर रहे थे क्या बेटा? फाइन पोर्स ऑफ ए ब्लॉटिंग पेपर, क्या बेटा? फाइन क्या बेटा? पोर्स ऑफ ए क्या बेटा? ब्लॉटिंग पेपर, ऑफ ए ब्लॉटिंग पेपर। ये क्या होता बेटा? ब्लॉटिंग पेपर क्या होता बेटा? अभी मैंने जिक्र कराया था सही हिंट की, अरे आपने वो रख दिया उसमें अंदर सोखले का सही है। अगला कहता है यस नहाते टाइम एग्जांपल है, टॉवल सोक्स द वाटर, टॉवल जो है बेटा वो क्या करता है? सोक्स द वाटर, बिल्कुल है। और उसके बाद बेटा ऑयल राइज इन विक ऑफ थ्रेड, ऑयल जो बेटा राइज करता है विक, विक का मतलब क्या होता है बेटा? बात है ना, विक थ्रेड जो दाग होता है बेटा उसका, जो विक होती है बात होती है उसमें से ऑयल का ऊपर राइज होना, और स्वेलिंग ऑफ द वुड इन द रेनी सीजन, बहुत अच्छा है। एक लकड़ी आप वर्षा बारिश के दिनों में बाहर डाल दो, लकड़ी क्यों फूल जाती है, समझ गए क्या था बेटा? फूल जाती है, दैट इज क्या बेटा? ये सारे कैपिलरी एक्शन के एग्जांपल है, कैपिलरिटी के है। सीलन दीवारों में सीलन आ जाती है, देखियो वो ऊपर आ जा नीचे कुछ भी नहीं होता, वो भी क्या है? कैपिलरिटी एक्शन है। आपने मुंह में रुमाल देगा देखना, चुन्नी लड़कियां चुन्नी एक डाल के देखना बेटा, जो लिक्विड है और पानी जो है ना कहां तक आ जाएगा? बाहर तक आएगा। रुमाल को पानी में डिप करके देखना, थोड़ा ऊपर लग पानी चढ़ेगा, वो क्या है? कैपिलरी एक्शन, दैट इज द कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी एक्शन ओके। तो ये था बेटा आपका कैपिलरी और कैपिलरी एक्शन।